क्या कभी आपने कोलाड के बारे में सुना है? आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले इस प्लेस के बारे में नहीं सुना होगा मेरी तरह। तो मैं आया था यहाँ कोलाड, सॉरी हम आए थे यहाँ कोलाड क्योंकि मेरे दोस्त भी है मेरे साथ। हेलो पब्लिक, तो आज मेरे दोस्त लोग कोलाड में आए हम लोग और सुना है यहाँ काइकिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। इससे पहले आप इस स्टोरी में खो जाएं, लेट्स मीट द बॉयज ऑफ दिस ट्रिप। और आपका भाई, तो सबसे पहले हम किसी भी रोड ट्रिप पे जाने से पहले कॉल टाइम डिसाइड करते हैं। 6 बजे का कॉल टाइम था भाई, लेकिन पब्लिक अभी 8:30 यही बज रहा है। कौन सा टाइम लोग है जिसने लेट किया? अजीत नहीं आया आज। देखो वाले में कौन है वो शख्स, यही है। और यार ये मेरे वॉशरूम का हमेशा का मसला है, तो थोड़ा संभाल ले। जब से ट्रिप स्टार्ट किए थे हम लोग और मेरे को आई है टॉयलेट, नो वॉशरूम के रखे, नो वॉशरूम के रखे, नो वॉशरूम के रखे, कुछ भी आ जाए हम लोग नहीं रुके, पेट पूरा फूक गया, पेट फूक गया मेरा, टॉयलेट नो, टॉयलेट नो, वॉशरूम रे। सो नाउ माहौल इज हल्का एंड वी आर बैक ऑन कैमरा। तो अभी हम लोग है पनवेल में, तो अभी थोड़ा ब्रेकफास्ट की तलाश में निकलेंगे और चेहरा देखिए लोगों का बिना ब्रेकफास्ट किए हुए। चलो एज यू नो इटली इज माई फेवरेट नाश्ता, बट यहाँ पर मैंने लाइफ में पहली बार फ्राइड इडली ट्राई करी। नाश्ता हो गया, नाउ लेट्स कंटिन्यू द ट्रिप। तो हम जब भी ऐसी किसी ट्रिप पे होते हैं तो कोई ना कोई एक सॉन्ग हमारे ग्रुप की प्लेलिस्ट में ट्रेंडिंग में होता है, तो इस बार ये है। तो हम लोग यहाँ रास्ते में रुके थे, लेकिन कौन सी जगह है मालूम नहीं, लेकिन सीनरी अच्छी लगी तो रुक गए बस। रास्ते में इन जंगलों के बीच मुझे एक प्यारा सा घर दिखा, अकेला, ठीक है, बीचों बीच में। तो हमने सोचा यहाँ पर एक फ़ोटो तो बनता ही है, तो यहाँ मैं अकेला रुका हूँ। और मैं थोड़ा फ़ोटो लेने गया था तो फिसल गया ये भी मसला हो गया इधर, एक फ़ोटो के चक्कर में मसले हो जाते थे। ढाई बजे कोलाड पहुंच गए थे, लेकिन मसला ये था कि हमने कोई भी स्टे प्री बुकिंग नहीं किया था, क्योंकि कल रात एक रात पहले ही हमने डिसाइड किया था कि हम कोलाड जाएंगे, और वैसे हमारा प्लान कहीं और का था। बाकी आपको नावेद भाई बताएंगे अपनी जुबानी। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, नावेद भाई कुछ बोलना चाहते हैं अपनी जुबानी। सो इफ यू वॉन्ट हैसल फ्री स्टे ओवर हियर, you can just do pre bookings, no need to roam here like this. अगर ऐसे होटल प्री बुकिंग नहीं करोगे तो भूख से मर मर के फिर तुम्हें लास्ट में ये सब चखना खाना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं और खाने की तलाश में इतनी भूख लग रही है कि कुछ यहाँ पर दिख रहा नहीं है खाने को, तो अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि मेरा दिमाग भूख के मारे काम नहीं कर रहा है। तो अभी एक जगह मिली है, वहाँ
थोड़ा लंच करेंगे तो फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है? एंड ओनली चाइनीज है, चाइनीज। कुछ आप कुछ दो शब्द दो लफ्ज बोलेंगे खाने के लिए? सिर्फ मुंह खोलेंगे और खा लेंगे। शब्द कुछ बोलना नहीं, अभी खाएंगे फिर बाद में शब्द और सब बयान करेंगे आपको फटाफट। सो नाउ डन विद लंच, तो अभी थोड़ा स्टे की तलाश में निकलते हैं पेट भर के। तलाश नहीं, ऑलरेडी तलाश कर ली है। नाउ हम लोग जाएंगे यहाँ से सीधा कैंपिंग साइट पे, एंड कैंपिंग रहेगी एकदम रॉ इन टू द वुड्स विद रिवर फेसिंग कैंप। तो टेंट में हम लोग रुकने वाले हैं रात भर और मचाएंगे। भाई ने रिवील कर दिया। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I will ever figure out. This is our luggage and this is where we will be camping tonight in the woods. Yes. In the lakes. Yeah. By the and lakes. With the tank. Yes. And in the nature. ये है स्टे बंदे फिलहाल। अरे ज़िप खोल ना। बोलो। Okay. How is the weather inside? It's comfy. ये मतना लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है टेंट में रहने का, तो वो भी पूरा हो गया तो सही है एकदम। You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is... और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, जगह तो खूबसूरत होती ही है, लेकिन इसे और खूबसूरत तुम्हारे अच्छे दोस्त बनाते हैं। और इतनी मोहब्बत के बाद वी हैड डिनर, और डिनर के बाद हम निकले वॉक पे इन जंगलात में, और वो भी कितने बजे पता है? रात को 12 बजे। हाँ सही सुना आपने, 12 बजे। इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह। हेलो पब्लिक, तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोलाड। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और कल रात को हम लोग इस टेंट में रुके थे। इसमें मैं और फैज़ान थे, और बाजू वाले में नावेद और जावेद। तो अभी बाहर का इतना प्यारा मौसम बना है, तो आग खुली तो दिखाते हैं। फिर इस प्यारी सी सुबह के बाद और फ्रेश होने के बाद हम सब निकले कायकिंग के लिए, वो जो मैंने आपको वीडियो की शुरू में नहीं कहा था। हाँ वही, वेटिंग फॉर कायकिंग बॉयज इज हियर, प्रेप सेशन फॉर कायकिंग। तो देखिए भाई, कायकिंग मैं पहली बार कर रहा हूँ। अभी आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये बात सही है, लेकिन पर्सनली मुझे समंदर से बड़ा डर लगता है, तो ये मेरे लिए भी बड़ी बात है। अरे अभी तो वाटर एक्टिविटी के लिए तो ऑल सेट फॉर कायकिंग, बॉयज आर रेडी, लाइफ जैकेट इज रेडी एंड चप्पू इज हाथ में एंड पप्पू भाई इज हियर। अरे कैसा इतना स्पीड ला रे फैजान, क्या थोड़ा मॉनिटर कर रहे थे ही लेगा तू? अरे आ रहे ना, पूछ चला रहा, वीडियो ले रहे, फोटो ले रहे, वीडियो। चलो डन भाई, पहली बार कायकिंग कर रहे, इतनी धूप है और डर लग रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है, बस कहीं क्रैश ना हो जाए, अल्लाह ना करे, और मसले मसले ना मसाइल हो जाए। देख अबे टन ले ना अबे टन ले भाई, अबे झाड़ी में जा रहे, रुकना भाई।
दीवाना।